नमस्कार, मैं हूँ फार्मासिस्ट नितेश और आज हम जानेंगे न्यूरोबियन 4 टैबलेट के बारे में। न्यूरोबियन 4 टैबलेट के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है और वो कैसे काम करता है, तो ये सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो का लिंक ये ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। न्यूरोबियन 4 टैबलेट विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के साथ मिलकर बना होता है और उसके कंपोजिशंस की बात करें और कंटेंट्स उसमें क्या क्या होते हैं, तो उसमें थायमाइन मोनो नाइट्रेट 10 mg, राइबोफ्लेविन 10 mg, पाइरीडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 3 mg, साइनोकोबालामिन 15 mg, निकोटिनामाइड 45 mg एंड कैल्शियम पेंटोथिनेट 50 mg। तो इन सब कंटेंट्स के साथ मिलकर न्यूरोबियन 4 टैबलेट को बनाया जाता है। न्यूरोबियन 4 टैबलेट के उपयोग की बात करें तो किस तरीके से उपयोग में लाया जाता है, तो विटामिन बी की कमी, गठिया रोग, आर्थराइटिस, डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड बोन एंड जॉइंट्स के इलाज में और न्यूरोफैटिक पेन, इन सब के इलाज में न्यूरोबियन 4 टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन बी की कमी से स्वस्थ लाख कोशिकाओं में कमी आ सकती है जिससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है। विटामिन बी की कमी से बीमारियों का खतरा कौन कौन सा हो सकता है, तो विटामिन बी की कमी से एनीमिया, खून की कमी, फटेगी यानी अत्यधिक थकान, कम ऊर्जा महसूस करना और आलस और सोने की इच्छा होना, नंबनेस मतलब हाथ या पैर सुन्न हो जाना, झुनझुनी या चुभन, इसके लक्षण होते हैं। आमतौर पर अस्थायी होता है लेकिन ऐसा अक्सर होता रहता है। नर्वस सिस्टम इंजरी यानी कि तंत्रिका तंत्र में कुछ क्षति, तंत्रिका तंत्र का खराबी तंत्र न्यूरोपैथी तक दर्द का मुख्य कारण है। मधुमेह, HIV संक्रमण, रीढ़ की सर्जरी, शराब आदि तंत्र का क्षति के कारण हैं। और गठिया रोग में जोड़ों की सूजन जिसे जोड़ों में दर्द होता है, कठोरता उत्पन्न होती है, यह उम्र के साथ बिगड़ भी सकती है। सबसे अधिक विभिन्न प्रकार के गठिया होते हैं जिनके विभिन्न कारण होते हैं। और यह डायबिटिक न्यूरोपैथी एक प्रकार की तंत्रिका क्षति है जो मधुमेह के कारण होता है। यह पैरों के नसों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है जिससे शरीर पर सुन्न होना, झुनझुने या चुभन होते हैं। बोन और जॉइंट्स में की बात करें तो ये ट्रॉमा यानी आघात, अधिक वजन, फ्रैक्चर या चोटें, सूजन, शराब, धूम्रपान, मधुमेह आदि हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं का कारण बन सकते हैं। तो न्यूरोबियन 4 टैबलेट इन सब बीमारियों के इलाज में उपयोग में लाया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका सामान्य साइड इफ़ेक्ट जैसे नौजिया, वोमिटिंग, डायरिया, नर्व डैमेज, इचिंग, स्किन रैशेस इत्यादि सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। ये टैबलेट न्यूरोबियन 4 टैबलेट काम कैसे करता है, तो न्यूरोबियन 4 टैबलेट विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस द्वारा बना होता है। विटामिन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लें तो कौन कौन से विटामिन हैं, जैसे विटामिन B1 शरीर की ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। यह ग्लूकोज चयापचय के लिए आवश्यक है और यह तंत्रिका, मांसपेशियों और हृदय समारोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन विटामिन B2 प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। यह शरीर की ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और विटामिन B3 निकोटिनामाइड की बात करें तो विटामिन B3 कोलेस्ट्रॉल कम करने, गठिया को कम करने और मस्तिष्क के कार्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। विटामिन B5 कैल्शियम पेंटोथिनेट की बात करें तो विटामिन B5 रक्त कोशिकाओं
को बनाने के लिए आवश्यक है और यह आपके द्वारा खाए गए भोजन की ऊर्जा को बदलने में मदद करता है। और वहीं पर विटामिन सिक्स की बात करें तो विटामिन सिक्स नसों, त्वचा और लाल रक्त कोशिकाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होता है। और लास्ट बात करें विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन की, तो विटामिन बी12 एक पोषक तत्व है जो शरीर की तंत्रिका और रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है और सभी कोशिकाओं में DNA आनुवंशिक सामग्री बनाने में मदद करता है और यह एनीमिया को भी रोकने में मदद करता है। और अभी बात कर लेते हैं हम लोग न्यूरोबियन 4 टैबलेट लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो यदि आपको लीवर की बीमारी है या हृदय रोग है तो आप न्यूरोबियन 4 टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। न्यूरोबियन 4 टैबलेट लेते समय शराब का सेवन न करें, इससे साइड इफेक्ट का खतरा अधिक रहता है। प्रतिकूल प्रतिक्रिया को बचाने के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि आप पहले से ही अन्य दवा ले रहे हैं। तो यदि आपको हृदय की बीमारी, यकृत या गुर्दे की बीमारी या शराब की लत है तो न्यूरोबियन 4 टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। और बच्चों के लिए न्यूरोबियन 4 टैबलेट का सेवन उचित नहीं है, बच्चे इसका सेवन न करें। हालांकि कुछ परिस्थितियों में चिकित्सक के संरक्षण में आयु और स्वास्थ्य के अनुसार इसका उपयोग किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से न्यूरोबियन 4 टैबलेट काम करता है हमारे बॉडी में। तो आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।